देशराज जी और जो कार्यकारिणी सदस्य हैं विनोद जी, हरबीर जी, आनंद जैन जी, करण सिंह जी, वो आ जाएं। और कुमार जी, कृष्णलाल आनंद जी और निरंजन गुप्ता जी, वो आ जाएं दीप प्रज्वलन के लिए। गायत्री मंत्र बोलते रहेंगे जब तक दीप प्रज्वलन होगा। हेलो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं परिगो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं परिगो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं परिगो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। हे शारदे मा, हे शारदे मा, अज्ञानता से हमें तार दे मा। हे शारदे मा, हे शारदे मा, अज्ञानता से हमें तार दे मा। तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम हमें प्यार दे। वाणी
सर्पे साझे मन से हमारे मिटा कर अंधेरे हमको उजालो का संसार दे माँ मन से हमारे मिटा कर अंधेरे हमको उजालो का संसार दे माँ हे शारदे माँ हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ हे शारदे सर्वप्रथम मंत्र का उच्चारण करेंगे हम सभी। पहले मन से बोला जाएगा और पश्चात आप अनुकरण करेंगे। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शांति शांति। हे परम पिता परमेश्वर, आप हम सभी की साथ साथ रक्षा करें। हम सभी साथ साथ विद्या को प्राप्त करें। हम सभी को विद्या प्राप्ति का सामर्थ्य प्राप्त हो। हम सभी की विद्या तेजस्वी हो। हम कभी भी एक दूसरे के विरोधी ना बने। सभी को आदिभौतिक आदिदैविक एवं आध्यात्मिक तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो। मातृशक्ति आदरणीय बंधु, तीन दिवसीय ध्यान साधना शिविर में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम 3 दिन तक ध्यान पर चर्चा करेंगे और अभ्यास करेंगे और समझेंगे कि जीवन क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, मानव जीवन क्यों मिला मुझे। ईश्वर ने हमें मानव क्यों बनाया। जो जीवन का लक्ष्य है वही योग का लक्ष्य है। योग का मार्ग मुझे अपने जीवन के लक्ष्य की ओर लेकर के जाता है, मुझे उस मंजिल तक लेकर के जाता है जो मेरे इस जीवन का परम लक्ष्य है। क्या है वो परम लक्ष्य? वो है ईश्वरीय अनुभूति, ईश्वर को प्राप्त करना। जो मेरा चित्त है जब वो अपने स्वभाव में अवस्थित हो जाता है तो आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। वही है परम आनंद, वही है परम सुख, वही है इस जीवन का लक्ष्य। हजारों वर्ष पूर्व महर्षि पतंजलि ने शास्त्रों में योग की बिखरी हुई विद्या,
जगह जगह पर विभिन्न शास्त्रों में योग के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसको अगर एक जगह सूत्रों में बांधने का कार्य किसी ने किया तो पहले नंबर पर उसका नाम आता है उनका, क्या? महर्षि पतंजलि, जिन्होंने योग के ज्ञान को, योग के मार्ग को सूत्रों में बांध करके चार खंडों में बांटकर इस रचना को, इस ग्रंथ को, इस कृति को समाज के उद्धार के लिए, मानवीय कल्याण के लिए, जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समाज को दिया। महर्षि पतंजलि ने ऐसा माना कि जीवन में चाहे जन साधारण जन हो या उससे थोड़ा और उच्च कोटि का हो या बहुत उच्च कोटि का हो, सभी को ही अपने जीवन में, वो गृहस्थी हो वो सन्यासी हो, सबको अपने ईश्वर से मिलने का अधिकार है, क्योंकि बनाया तो हम सबको उसी नहीं है, सबको अपने ईश्वर से मिलने का अधिकार है। इसलिए कहीं महर्षि पतंजलि ने साधना के दृष्टिकोण से ईश्वर की अनुभूति के लिए, उस जीवन में परम लक्ष्य को पाने के लिए व्यक्तियों को भी श्रेणीबद्ध कर दिया, व्यक्तियों को तीन हिस्सों में बांट दिया। कितने हिस्सों में? तीन हिस्सों में। पहला, वे साधक जो बहुत उच्च कोटि की श्रेणी में आते हैं, अर्थात जन्म से ही जिनके भीतर सात्विक गुण प्रधान होता है, तम और रज गुण होते हैं लेकिन मात्रा में उनसे कम होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के भीतर अपने ईश्वरीय प्राप्ति की जो वृत्ति है, जो जिज्ञासा है, वो जन्म से बनी रहती है। उनके लिए महर्षि पतंजलि ने जो मार्ग दिया वो दिया समाधि योग। क्या दिया? समाधि योग। और समाधि योग में महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र 12 है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तनिरोधा, समाधि पाद का। क्या सूत्र है बोलिए? अभ्यास वैराग्याभ्याम तनिरोधा। समाज में जब हम विचरण करते हैं, गृहस्थ जीवन के कार्य करते हैं, व्यवसायिक कार्य करते हैं, तो हमारे भीतर जैसे कर्म करते हैं वैसे संस्कार बनते चले जाते हैं, और ये संस्कार सूक्ष्म रूप में जब चित्त के ऊपर संचित होते हैं तो इन्हीं को हम वृत्तियां कह देते हैं। क्या कह देते हैं? वृत्तियां कह देते हैं, जिसके अनुकूल हम अपना समाज में अपना व्यवहार दिखाते हैं दूसरों को, और वैसे ही हम कर्म करते हैं। जो मेरे भीतर चल रहा होता है वही कहीं ना कहीं मेरे हाथों, मेरे पैरों, मेरे इस शरीर के माध्यम से क्रिया बन करके सामने आ जाता है। वैचारिक दृष्टिकोण से अगर मेरे भीतर कोई बात चल रही है तो कहीं ना कहीं वो मेरी जुबान पे शब्द बन करके कभी ना कभी आ ही जाएगी। जो मेरे भीतर की वृत्तियां हैं वही मेरा आचरण है और वही मेरी क्रियाएं हैं। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब तक मैं इस चित्त पर जमा इन संचित वृत्तियों को हटा नहीं दूंगा तब तक मुझे अपने ईश्वर की अनुभूति नहीं हो सकती। उसी के लिए महर्षि पतंजलि ने वृत्ति निरोध का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन दिया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तनिरोधा, अर्थात मुझे अपने जीवन में थोड़ा 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 अभ्यास करते हुए अपने चित्त पर जमा इन वृत्तियों का निरोध करना चाहिए, और निरोध करते 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 जब मेरा चित्त शुद्ध और निर्मल हो जाएगा, जब मेरे इस चित्त पर जमा इन सभी वृत्तियों की निवृत्ति हो जाएगी, जब ये हट जाएंगी तो मेरा चित्त शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, और ऐसे चित्त को अपने स्वभाव में अवस्थित होने में देर नहीं लगेगी। दो बातें, अवैराग्य शब्द इसलिए आया ताकि दोबारा से वो संस्कारों का निर्माण ना हो। कहते हैं कि जीवन में दो सागर हैं,
कितने सागर हैं? एक है आपका कल्याण सागर, कौन सा सागर, और दूसरा है संसार सागर। और हम गोते किस में लगाते हैं जरा बतला दीजिए, आप ज्ञानी हैं, संसार सागर में। और गोते लगाने किस में चाहिए? कल्याण सागर में। कल्याण सागर में जाने के लिए मार्ग बनाना होता है, संसार सागर का मार्ग स्वतः बन जाता है। कल्याण सागर के मार्ग की ओर बढ़ने के लिए मुझे साधना करनी होगी, मुझे अभ्यास करना होगा, मुझे वैराग्य को अपने जीवन में उतारना होगा। और जो दूसरी कोटि के जो व्यक्ति हैं वो है मध्यम श्रेणी के, किसके, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी, जैसे हमारे केंद्रों में भी होते हैं, चार दिन आए चार दिन छुट्टी, चार दिन आए चार दिन छुट्टी, होता है ना। तो जो मध्यम कोटि के जो साधक है तो अच्छे, कभी तो मन करता ही है ना, है तो अच्छे हो, जो अच्छाई की मार्ग पर बढ़ने की कहीं ना कहीं इच्छा तो है, लेकिन ये बाहर का आकर्षण उनको कहीं ना कहीं फिर पीछे हटा देता है। तो ऐसे साधकों के लिए वहां सत्व प्रधान है, सत्व वृत्ति गुण है, लेकिन साथ में रज गुण अपना जोर किए हुए हैं। कौन सा गुण? रज गुण जोर करता है। रज गुण का मतलब ये संसार है, ये बाहर का आकर्षण है, ये धन दौलत है, ये कार कोठी है, तिजोरी है, को ये जो बाहरी सांसारिक संसाधनों का आकर्षण मुझे बार बार अपने उस सत्व के मार्ग से निकाल करके और इस राजवंशी मार्ग की ओर लेकर के जाता है, ये मेरी साधना में कहीं बाधक बनता रहता है बार बार। ऐसे व्यक्तियों के लिए इनको कहा मध्यम श्रेणी के लोग। कौन है ये? मध्यम श्रेणी के लोग। इनके लिए महर्षि पतंजलि ने जो योग दिया उसका नाम है क्रिया योग। कौन सा योग बोलिए? क्रिया योग। बड़ी सुंदर बातें होती हैं ये, अगर इन बातों के ऊपर हम चिंतन करें तो आप सच मानिए रातों रात कोई सन्यासी नहीं बनता। लेकिन भारतीय योग संस्थान का मानना है कि सन्यासी के लिए आपको भगवे वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं, आप गृहस्थ में रह करके ही सन्यास का निर्माण कर सकते हैं। जिस दिन मैंने अपने जीवन में संयम को आचरण बना लिया, जिस दिन संयम मेरे स्वभाव में आ गया, जिस दिन मैंने संयम की उपासना कर ली, उस दिन मैं सन्यासी बन जाऊंगा। और क्रिया योग का जो पहला शब्द है वो यही है। क्रिया योग कहता है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। साधन पाद का ये दूसरा पहला सूत्र है महर्षि पतंजलि द्वारा रचित इस अमूल्य, जो जिसके बारे में शब्द भी कई बार छोटे पड़ जाते हैं, उस ग्रंथ के दूसरे खंड का पहला सूत्र है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप का अर्थ ये नहीं है कि जो तप जंगलों में बैठ के तप करते हैं, ना 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 ना, तप का अर्थ है ये मेरा ईश, मेरा जो ये शरीर है, जो मेरा ये मन है, जो मेरी इंद्रियां हैं, ये मेरे वशीभूत हो जाए, मैं सुख और दुख में सम अवस्था बनाना सीख जाऊं, मैं विषम परिस्थितियों को सम परिस्थितियों में बदलना सीख जाऊं। और ऐसी सम अवस्था बनाते हुए अपने स्वधर्म का पालन करते हुए, किसका पालन करते हुए? अपने स्वधर्म का पालन करते हुए जब मैं अपने कर्मों को करता हूं तो उसे तप कहते हैं, उसे तप कहते हैं। तप स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब होता है अपने को जानना। आप पढ़िए शास्त्रों को, आप पढ़िए वेदों को, आप पढ़िए उपनिषदों को, आप पढ़िए दर्शनों को, आप पढ़िए संहिताओं को, उससे आपको जो विचार मिलते हैं, जो उपदेश मिलते हैं, जो शिक्षा मिलती है, जब तक उस पर आप चिंतन नहीं करेंगे, जब तक आप उस पर मनन नहीं करेंगे, तब तक स्वाध्याय जीवन में आ नहीं सकता। स्वाध्याय बहुत उच्च कोटि की साधना है। स्वाध्याय वह मार्ग है जो मुझे मेरे भीतर जाकर के मेरे स्वरूप से मेरा आत्म साक्षात करवाता है, उसे कहते हैं स्वाध्याय। हम कई बार किताबें पढ़ने को
एक एक शब्द होता है अंग्रेजी में सेल्फ स्टडी, उसका जब हिंदी शब्द निकालो तो सवाल न्याय बनता है। अध्यात्म में भाव बदल जाता है। हम क्या करते हैं, हम सांसारिक अर्थ लिए घूमते हैं। अध्यात्म कहता है कि उसे पहचानो जो तेरे भीतर बैठा है, वह स्वाध्याय है। जिस दिन प्यारे तू अपने पते पे पहुंच जाएगा, इस वाक्य के अंदर बड़ी गहराई है। जिस दिन प्यारे तू अपने पते पर पहुंच जाएगा, उस दिन स्वाध्याय तेरे जीवन में आ जाएगा। उस दिन तपः स्वाध्याय ईश्वर परिधानानि। तीसरा है अपने आप को उस ईश्वर के सामने समर्पित कर देना। ये मेरा शरीर, ये मेरा मन, ये मेरी इंद्रियां जो करती हैं, ये नहीं करती, वो करवाता है। इसलिए मेरे कर्म और कर्मों के फल हे प्रभु तेरे को अर्पित। ईश्वर परिधान अपने ईश्वर अनुभूति का सबसे सरल और सहज उपाय महर्षि पतंजलि ने दिया। ऐसा नहीं है वेदों में, शास्त्रों में, उनमें भी यही बातें हैं, लेकिन देखिए कि योग का मार्ग कहाँ अधूरा है। इसीलिए कहा जाता है कि योग अपने आप में पूर्ण है। आपको एक इन तीनों शब्दों को जरा दूसरे ढंग से भी आपको अर्थ बतलाएंगे। कहते हैं गीता में बात आती है, एक वहां पर आता है कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। बोलिए, कर्म योग और भक्ति योग। अब आप समझना ये बात, जो महर्षि पतंजलि ने क्रिया योग दिया, उस क्रिया योग में पहला शब्द है तप। तप का मतलब होता है स्वधर्म का पालन करते हुए क्रियाओं को करना, कर्म योग। स्वाध्याय, अपने भीतर जाकर के आत्मचिंतन करते हुए उस स्वरूप से साक्षात करना, ज्ञान योग। ईश्वर प्रणिधान, अपने ईश्वर के सामने अपने कर्मों और कर्मों के फलों को अर्पित कर देना, यह है भक्ति योग। आ गई तीनों, तीनों योग आ गए आपके, ज्ञान योग भी, कर्म योग भी, भक्ति योग भी, समा गया क्रिया योग के भीतर। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। और तीसरे आते हैं हमारे जैसे साधारण जन। हम तो साधारण ही हैं, गृहस्थ में जीते हैं, सुबह से शाम तक परिवार के लिए जीविका कमाने में लगे रहते हैं, थक कर के रात को पढ़ के सो जाते हैं। लेकिन महर्षि पतंजलि कहते हैं नहीं, तू गृहस्थ को चला, परिवार को चला, परिवार के बीच में रह, लेकिन ईश्वर से मिलने का हक तो बोलो तुझे भी है। साधारण जन हुए तो क्या हुआ, लेकिन उसके लिए तो सबके दरवाजे खुले हैं। इसलिए हमें कभी भी ये नहीं सोचना, पहले जमाने में हुआ करता था योग करने के लिए, योग की साधना करने के लिए, इस मार्ग पर चलने के लिए सबसे पहले घर परिवार और गृहस्थ को छोड़ करके जंगल में जाकर के गुरु की शरण में साधना करनी हुआ करती थी। और कहा जाता था कि योग केवल उन सन्यासियों के लिए है, लेकिन आधुनिक जीवन में ऐसा कहना, परिवर्तन होता है समाज में तो हमें भी अपने आप को बदल लेना चाहिए, वरना बच्चे हमें बूढ़ा और पुराने जमाने के कह के कोने में बिठा देंगे। समझ में आई बात, तो बदलते हुए समाज के साथ हमें भी बदलना चाहिए। तो योग की भाषा भी बदल गई, अब योग सन्यासियों के लिए नहीं है केवल, योग के ऊपर हमारा अधिकार भी है, आपका अधिकार भी है, जन साधारण जन सभी का अधिकार है। और महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों को किसी ने हो सकता है पहले ना समझाओ, उस वो तो कह के गए हैं ये, उन्होंने जो तीसरा मार्ग दिया वो साधारण जन के लिए दिया। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा समाधि अष्टवंगानी, अर्थात यह मार्ग किसके लिए दिया महर्षि पतंजलि ने, अष्टांग योग का, हम और आप जैसे। और भारतीय योग संस्थान ने किसको अपनाया, अष्टांग योग को। हमने किसको अपनाया, अष्टांग योग को।
महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब कर्मानुसार साधक यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार की साधना करते हुए आगे बढ़ता है तो अपने अंतरंग योग के भीतर, अपने भीतर की साधना में, अंतरंग साधना में प्रवेश कर जाता है और धारणा का अभ्यास करते हुए, इस मन को एकाग्र करते हुए जब वह त्रिपुटी को प्राप्त करता है, जब वह ध्येय ध्याता ध्यान तीनों को एक बना लेता है तो वह अपने ईश्वर की अनुभूति कर लेता है, ध्यान और समाधि को प्राप्त कर लेता है। इतनी उच्च कोटि की साधना है अष्टांग योग की साधना। हम इसमें तीन दिन इसके तीन अंगों के ऊपर चर्चा करेंगे। ये भूमिका बनाती है आपको कि हम साधारण जन की कैटेगरी में रहना, हमें ज़्यादा ज्ञानी क्या जरूरत है ज्ञानी बनने की, उसके चरणों में बैठो और उसका नाम लो, सच मानो बड़े रोग कट जाएंगे, बड़े रोग कट जाएंगे। जो ये अहंकार है ना, आपको कल बतलाएंगे कि सृष्टि का क्रम कैसे चलता है और हम वहाँ कहाँ टिकते हैं। जैसे आज ये भूमिका बांधी, कल वो भूमिका बांधेंगे, थोड़े थोड़े विषय को जानेंगे। हमें ज़्यादा ज्ञानी बनना ही नहीं, अज्ञानी बने रहना तीन दिन। एक बात और बतलाऊँ, सच्ची बात बतला रहा हूँ, अपने मन की बात है मेरी, कह दूं, अज्ञानी को ईश्वर जल्दी मिलते हैं। आप समझे ये बात, ये सूत्र है कि उसका कारण है, कारण ये है कि ज्ञानी अहंकार में जिया करते हैं और अहंकारी को भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, आप बताओ। इसलिए फायदा किस में बनने में है, अज्ञानी बने रहेंगे। आप देखो ज्ञानी फालतू के प्रश्न पूछते रहते हैं इधर उधर के। अध्यात्म में प्रश्नों का स्थान ही नहीं है जी। अध्यात्म के मार्ग पर जो चला चल पड़ा उसे अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं खोजने होते हैं। और अब सच मानो उस ईश्वर को साक्षी बना के कहता हूं कि जिस दिन हम सच्चे मन से अध्यात्म के मार्ग पर चल पड़ेंगे, हमारे सब प्रश्नों के उत्तर स्वतः हमें मिल जाएंगे। तो इसमें हमारे को आज हम तीन क्या क्या वो विषय होंगे हमारे, एक आसन, एक प्राणायाम और एक प्रत्याहार। हम आसन हर रोज करते हैं। देखो छोटी सी आप इस बार आपके पास बड़ा सरल विषय लेकर के आया हूं कि जो हम डेली करते हैं हम उसी के ऊपर बोलेंगे। आसन क्या है ये आप ऐसे ना करें प्लीज। हाँ बाल तो काले ही रहेंगे हमारे। महर्षि पतंजलि सूत्र 46 आता है साधन पाद में, स्थिर सुखम आसनम। थोड़ा इसका शोधन कर दूं, कई बार हम जो आपस में बोलते हैं ना स्थिरम बोलते हैं, स्थिरम नहीं है ये शब्द, क्या है, स्थिर सुखम आसनम। मैंने तोड़ तोड़ के बोला है। ये सूत्र 46 है साधन पाद का, अर्थात जिसका अर्थ है, इसमें दो शब्द हैं अलग अलग, पहला शब्द है स्थिर, दूसरा है सुख। बड़ा सिंपल समझेंगे इसको। स्थिर का मतलब होता है जिसमें कोई हिलडुल ना हो। जब आप देर तक किसी आसन में ठहर सको बिना हिले डुले, और दूसरा शब्द क्या है, और उस समय आपको अपने भीतर अपने अंतःकरण के स्तर पर आनंद की अनुभूति हो, सुख की अनुभूति हो, उसे आसन कहते हैं। बस अभी हम आसन की परिभाषा ग्राउंड पे कुछ और ले रहे हैं, घुटना दर्द के लिए ले रहे हैं, हम सर्वाइकल स्पैंडोलाइटिस के लिए ले रहे हैं। महर्षि पतंजलि ने ज्यादा बोले ही नहीं, तीन सूत्र सारे दिए हैं आसन के ऊपर। 195 सूत्र में तीन सूत्र हैं और हम मेरे ख्याल में 195 सूत्र के बराबर जोर लगा देते हैं केवल आसन। लेकिन आप सच मानो आठों अंग मुझे मेरे ईश्वर तक ले जाने वाले, आठ अंग हैं ये। आप जिस मर्जी अंग की सच्चे मन से उपासना कर लो वही आपको अपने ईश्वर की अनुभूति। आज हम ये समझेंगे कि अकेले आसन की साधना मुझे कहां तक लेकर के जा सकती है। स्थिर सुखम आसनम, एक हमारे स्थूल शरीर, स्थिर शब्द मेरे स्थूल शरीर से जुड़ा हुआ है और सुख शब्द जो मेरी मानसिक अवस्था से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है,
स्थिरता भी दो प्रकार की होती है यहां पर, एक शारीरिक स्थिरता और दूसरी मानसिक स्थिरता। शारीरिक स्थिरता का मतलब मेरे शरीर के अंग स्थिर रहें, और मानसिक स्थिरता का मतलब मेरा मन कहीं बाहर ना लगे, मेरा मन एक जगह टिक जाए। आसन करते समय आसन की पूर्ण अवस्था में पहुंचने तक हमें 5 पड़ावों से गुजरना पड़ता है। बोलिए कितने पड़ाव? 5 सोपान हैं आसन के, 5 चरण हैं आसन के, और क्रमबद्ध हैं ये। इनको अगर आप आगे पीछे करेंगे तो आप कभी भी आसन में पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये आज समझना इस बात को, हम केंद्रों में जो साधना करते हैं वास्तव में क्या उस कोटि की करते हैं। आसन की पहली अवस्था है शरीर को मोड़ना, तानना और खींचना। कितने शब्द बोले? मोड़ना, तानना, खींचना। लेकिन पहले दिन जिस दिन मैं केंद्र में जाऊंगा, गया या अभी शुरू किया है मैंने, आप सच बतलाओ क्या वो अपने शरीर को जितना हम कहेंगे उतना मोड़ पाएगा? क्या वो उतना तान पाएगा? क्या वो उतना खींच पाएगा? क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो उसको वेदना होती है। क्यों? क्योंकि उसकी मांसपेशियां जकड़ी पड़ी हैं। क्यों? क्योंकि उसकी हड्डियां सख्त हैं। क्यों? क्योंकि उसके जोड़ लचकदार नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उसकी नस नाड़ियां सिकुड़ी हुई हैं। एक कारण बतलाया मैंने आपको, उसका भोजन ठीक नहीं है, उसने साधना कभी की नहीं, वो निष्क्रिय जीवन जीता है। इसलिए इस अवस्था को पाने के लिए प्रारंभिक अवस्था में 3 चीजों को हमें अपनाना चाहिए। भोजन को सबसे पहले, जब भी आप आसन की साधना शुरू करें आप भोजन को ठीक करें। अगर भोजन ठीक नहीं है तो आप आसन को सही ढंग से लगाने में कभी सफल नहीं होंगे पूरे जीवन में। उसका पेट ही ठीक नहीं रहना है। और जिस दिन कॉन्स्टिपेशन हो आप साधना करके देखो, और जिस दिन पेट सही साफ होता है उस दिन आसन लगा के देखो, दोनों में आपको फर्क नजर आ जाएगा। बोलिए ना। उसके बाद शुद्धि क्रियाएं। शुद्धि क्रियाएं आसनों के अंदर निपुणता लाने के लिए हमारे लिए बहुत लाभकारी हैं। अभी मुझे 30 साल 25 साल हो गए करते, आज तक मैंने सूत्र नीति जल नीति करके इन देखी भाषण देता हूं केवल। जब आप वो करोगे मल बाहर निकलेगा, नस नाड़ियों को जगह मिलेगी दाएं बाएं मुड़ने मुड़ाने खींचने तानने में, वो काम बढ़िया होगा। और तीसरा सूक्ष्म क्रियाएं। क्या बोला? एवं सरल आसन। छोटी छोटी हड्डियां जो आपके हाथों की पैरों की जोड़ हैं, टखनों के घुटने के थाइस के जोड़ हैं, कंधे के गर्दन की वर्टब्रास हैं, आप उनसे संबंधित क्रियाएं करो। सरल आसन करो, धीरे धीरे करो, धीरे धीरे जाना और धीरे धीरे आना। शरीर में लचक को तेजी से प्राप्त करने की सर्वश्रेष्ठ कला है। और जब हम देर तक ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कुछ दिन के बाद आपको वेदना पीड़ा होनी बंद हो जाएगी, शरीर खींचने लगेगा, तनने लगेगा, मुड़ने लगेगा। देखो कितनी सिंपल चर्चा आपके बीच में लेकर के आए हैं, पर ये वो कथा है जिसको हमें बार बार सुनते रहना चाहिए। जैसे हम हर रोज दिया जला के आरती वही करते हैं जो कल की थी, लेकिन वो हर रोज करते हैं क्योंकि उसमें मेरा मन टिकता है। साधना में जिसका मन जो टिकाना चाहता है उसे ये चर्चा करते रहना चाहिए, ताकि वो अपनी गलतियों का भास करते हुए उनसे बचा रहे। उसके बाद आता है श्वासों का समन्वय। क्या आता है? जब हम शुरू में साधना करते हैं तो उस वेदनाओं के कारण श्वासों पर तो ध्यान जाते ही नहीं, और नया व्यक्ति जो आता है उसके श्वास जल्दी फूलते भी हैं। पर क्रिया के साथ जब तक श्वासों को नहीं जोड़ेंगे, क्रिया कभी आपकी फलदायक नहीं बढ़ेगी। वैसे तो थंब रूल है कि किसी भी आसन में जब शरीर पीछे की तरफ जाता है तो हम श्वास भरते हुए जाते हैं, और जब आगे की तरफ शरीर झुकता है तो हम श्वास निकाल, देखो थंब रूल देंगे आप समझ लेना, और जब हम पूर्ण स्थिति में रुकते हैं तो श्वास सामान्य कर लेते हैं। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में इसमें हमें एक प्रयास करना पड़ता है। क्यों प्रयास करना पड़ता है? क्योंकि शुरू में मेरे श्वास फूलते हैं, छोटे होते हैं, उखड़ते हैं। मैं जब श्वास फूलते हैं तो आप आसन में को करने में आपको उतना आनंद नहीं आता। तो इसलिए पहली अवस्था श्वास समन्वय की प्रयास पूर्वक है।
लेकिन जब आप लगातार अभ्यास करते हैं तो श्वास थोड़े गहरे लंबे हो जाते हैं, तो आप श्वासों का समन्वय क्रिया के साथ आसानी से बिना तकलीफ के बोलो कर पाते हो। उसको बोलते हैं स्वाभाविक श्वासों का समन्वय करना। पहली अवस्था कौन सी? प्रयास पूर्वक। आप प्रयास करो जब आपके थोड़ा ठीक लगने लग गया कि आप उस आसन में पीछे की ओर झुक रहे हो, श्वास भर रहे हो, कम देर रुकना है श्वास भर करके रुक रहे हो, जब आप बाहर वापस आ रहे हो तो श्वास निकालते हुए वापस आ रहे हो, धीरे धीरे आओ, जब धीरे धीरे आओगे तो आपको श्वास भी धीरे धीरे निकालना पड़ेगा, जब धीरे धीरे निकालना पड़ेगा तो श्वास धीरे धीरे भरोगे धीरे धीरे निकालोगे, क्योंकि क्रिया तो तेजी से होनी नहीं, तो उससे क्या होगा, श्वास भी गहरे और लंबे हो जाएंगे। इसको बोलते हैं श्वासों का समन्वय करना। जब ये दो चीजें आपके जीवन में आ जाएंगी तो तीसरा होता है स्थिरता। तीसरा क्या शब्द है बोलिए? स्थिरता का मतलब हिलना नहीं। आप जब शुरू में साधक आता है उसकी हालात क्या होती है आप बताओ, हिलता है कि नहीं हिलता है? जब तक आप पूर्ण स्थिति में पहुंचने के बाद हिलते रहोगे तब तक आप आसन नहीं कर रहे हैं, आपको वहां स्थिरता लानी है। अब स्थिरता दो तरह से आती है, फिर एक होती है प्रयास पूर्वक स्थिरता, दूसरी होती है स्वाभाविक स्थिरता। आपने कभी पादोत्तानासन करके देखा हो, आप अच्छे साधक हो करते होंगे, अगर दूसरे टांग की एड़ी आप 3 इंच ऊंचाई पर रखो और फिर आप दाई भुजा और बाई टांग या बाई भुजा और दाई टांग ऊपर उठाओ तो आपको ये रहता है कितनी जल्दी वापिस आऊं, ऐसा नहीं होता क्या? होता है। मैंने एक आसन का नाम लिया पादोत्तानासन का, तो यहां पर आप रुक नहीं पा रहे हैं, लेकिन शिक्षक पीछे से आवाज लगाता है कि अभी वापिस नहीं आना। अब क्या हो गया, अब आप प्रयास कर रहे हैं कि मैं शिक्षक की आवाज के साथ निभाऊं, किसी तरह से फंस तो गया लेकिन निभाऊं। इसको बोलते हैं प्रयास पूर्वक अवस्था। लेकिन आपके जब 6 महीने 1 साल 1.5 साल 2 साल 5 साल की साधना हो जाती है तो आपने एक अनुभव भी किया होगा, शिक्षक बोले जा रहा है लेकिन आप आनंद में हो, आपको अब जो है ना रुकने में कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि आपका स्टेमिना 1 मिनट 1.5 मिनट का रुकने का हो गया, शिक्षक ने ठहराना है 30 सेकंड 45 सेकंड, आपको तो आनंद आ रहा है। तो जो आपने अब स्वभाव में रुकना शुरू कर दिया, क्या कर दिया, ये जो स्वाभाविक स्थिरता है ये आपके आसन को निपुणता के, अभी निपुण नहीं है आप, अभी आपको निपुणता की तरफ लेकर के जा रहा है ये आसन। देखो बिल्कुल ग्राउंड की चर्चा कर रहा हूं आज मैं, लेमैन लैंग्वेज है। तीसरी अवस्था है एकाग्रता। अब मुझे खींचने तानने मोड़ने में कोई तकलीफ नहीं है, स्वभाव से कर पा रहा हूं, मेरे को श्वासों को स्वभाव से श्वास धीरे धीरे भरा जा रहा है धीरे धीरे निकाला जा रहा है, मुझे अब उसकी पूर्ण स्थिति में रुकने में कोई तकलीफ नहीं है, मैं स्वभाव से 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट रुक पा रहा हूं। अब जब तीनों बातों से आप फ्री हो गए, एक चीज आपको बड़ी प्यारी बतलाता हूं जो आपको अभी तक ध्यान में नहीं होगा, एक होता है सिंपेथेटिक नर्व, साइंस की भाषा में सिखा रहा हूं आपको, एक होता है पैरा सिंपेथेटिक नर्व, जो यहां डॉक्टर्स बैठे हैं उनको यह भाषा मेरी जल्दी समझ में आ जाएगी। जब सिंपेथेटिक नर्व काम करती हैं तो आपके शरीर में सिकुड़न होती है और हार्ट जो है ना ज्यादा काम कर रहा होता है, रक्त तेजी से भाग रहा होता है, धड़कन बढ़ रही होती है, श्वास फूला हुआ होता है। बोलो नए साधक कैसा होता है कि नहीं, हाँ या ना? तो ये सिंपेथेटिक नर्व उसकी ज्यादा एक्टिवेट हो गई। आपके शरीर में सम स्थिति लाने के लिए, आपके शरीर में भगवान जी ने पैरासिंपेथेटिक नर्व दे दी। जब सिंपेथेटिक नर्व ज्यादा एक्टिवेट होती है तो आपकी पैरासिंपेथेटिक वर्क नर्व काम करती है। जब आप क्रिया को स्वभाव से करते हो, आपको थकान नहीं होती, तो आपकी पैरासिंपेथेटिक नर्व ज्यादा एक्टिव होती है और वो आपकी शरीर की सम स्थिति बनाती है, जिसको स्वभाव में लौटना कहते हैं। आपके हार्ट को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, वो विश्राम भी कर रहा है और क्रिया भी हो रही है, ऐसी स्थिति आपके शरीर की हो जाती है। तो इसका मतलब आपको कोई ज्यादा काम, बोलो, जब काम से फ्री हो जाते हैं और ज्यादा चिंता नहीं होती, मन शांत होता है तब नींद आती है, जब ज्यादा काम कर रहे होते चिंता होती है तब नींद आती है। बोलिए, जब मन शांत होता है तो मन को टिका सकते हैं एक जगह,
अब आप स्वभाव से यहां पर आ गए, अब अपने मन को टिकाना है आपने, एकाग्रता, मन को एक जगह टिकाना है। कहां टिकाना है? बिजनेस में नहीं। आसन के करते समय शरीर के उस इस बिंदु पर जहां उस आसन का प्रभाव पड़ रहा है, उसके दो बिंदु होते हैं, उसके भी एक बाहरी बिंदु एक अंतरंग बिंदु। कौन कौन से? बाहरी बिंदु शरीर है, जैसे आप सर्वांगासन की पूर्ण स्थिति में गई, पूरा वजन कहां पर है, और आप वहां पर जाकर के गर्दन वाले भाग के ऊपर पीछे बिल्कुल, और वहां ध्यान टिकाओ, इसको बोलते हैं एकाग्रता। लेकिन ये कौन सी एकाग्रता है? ये स्थूल एकाग्रता है। क्या है ये? अंत तो गतवा प्यारे, पूर्ण स्थिति में तुझे इसके अंतरंग बिंदु पर एकाग्रता करनी होगी, सूक्ष्म बिंदु पर एकाग्रता करनी होगी। वह सूक्ष्म बिंदु मेरा विशुद्धि चक्र है, वह सूक्ष्म बिंदु मेरा विशुद्ध। जब मेरी साधना इस स्तर की हो जाएगी ना मेरा, देखिए अब कहां पहुंच गया मैं, आसन करते करते अपने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर गया। जब तक मैं सूक्ष्मता की ओर नहीं बढ़ूंगा तो इस स्थूल और सूक्ष्म को बनाने वाला, इसकी रचना करने वाला उस ईश्वर, उसकी अनुभूति मैं कैसे कर सकता हूं। और चौथी अवस्था होती है मंत्र जाप की अवस्था। कौन सी अवस्था होती है? मंत्र जाप की अवस्था। अब मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, हूं पूर्ण स्थिति में, क्योंकि वो स्वभाव में पहुंच गया, वो और स्वभाव में ठहरा हुआ है वो। अब मेरा शरीर स्वभाव में ठहरा हुआ है वहां पर, अब मेरा शरीर काम नहीं कर सकता, मुझे शरीर से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, परिश्रम से रहित हो गया मैं, श्रम नहीं करना पड़ रहा है मुझे। अब मेरा मन शांत है, मन भी कोई क्रिया नहीं कर रहा है, अब एकाग्र हो गया सूक्ष्म बिंदु के ऊपर। ऐसी स्थिति को जब ना मन मेहनत करे ना शरीर मेहनत करे, शिथिलता आ जाए मेहनत में, मेहनत ना करना क्या कहलाता है? शिथिलता। शांत हो गया, शरीर क्रिया नहीं कर रहा है, मन क्रिया नहीं कर रहा है, मतलब मेहनत नहीं कर रहा है, क्रिया हो रही है लेकिन वो परिश्रम नहीं कर रहा है। इसको योग की भाषा में बोलते हैं प्रयत्न शैथिल्य की अवस्था। बोलिए क्या बोलते हैं? ये बड़ी ये असली योग साधना है, असली योग यही है। अगर मैं इतनी जानकारी के साथ अपना योग करूंगा तो आप सच मानिए ऐसा हो नहीं सकता कि मेरी साधना फलीभूत ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। उस ईश्वर के मार्ग पर शक करना भी पाप है, क्योंकि बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के, बिना माने हुए आप उस मार्ग पर चल नहीं सकते। और जब श्रद्धा और विश्वास और मान करके आप उसके साथ अभ्यास जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, तो वो आपका आचरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यही साधना है, यही साधना है। अब साधक प्रयत्न शैथिल्य की अवस्था में पहुंच गया, और जब प्रयत्न शैथिल्य की अवस्था में पहुंच गए आप, शरीर आपका काम नहीं कर रहा है, मन आपका शांत हो गया, आपको कोई मेहनत करनी नहीं पड़ रही है, आप सूक्ष्म अवस्था में पहुंच गए। अब कहां पहुंच गए? अगर उस समय मैं अपने प्रभु का मंत्र जाप करूं तो उस मंत्र जाप को करते करते मैं ईश्वर की पूर्ण स्थिति में ही अपने प्रभु की अनुभूति कर लूंगा। मैं अब सिर्फ आसन की महिमा को हमें आज की तारीख में समझना है, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। महर्षि पतंजलि, ये मैं वही आसन लेके आया हूँ आपके साथ जिसकी बात की है, देखना सामने कौन सा आसन है, ये सर्वांग आसन है जिसके अंदर पंजे भी ढीले हो गए। क्यों ढीले हो गए? पूर्ण स्थिति में ताकि रक्त का प्रवाह विपरीत दिशा में सहज रूप में होते हुए आपके मस्तिष्क के अंदर प्रचुर मात्रा में अधिक बढ़ने से वहां के दोषों को ठीक कर मेरे न्यूरॉन्स को भी अच्छा बनाए, ये इसके साइंटिफिक और स्थूल परिभाषा है। लेकिन जिस दिन इसमें एक बात कह दी कि अगर मेरा विशुद्धि चक्र पर मन एकाग्र हो गया और मैंने मंत्र जाप कर लिया, उस दिन मेरा सर्वांगासन जीवन में सिद्ध हो जाएगा।
उस दिन मेरा सर्वांगासन जीवन में, अगर साधना को ऐसे मन लगा करके करेंगे। अच्छा, आप कभी किसी दुख में गए हो? किस में गए हो? और उन दुखी जो सारे बैठे हैं उसमें कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है, ऐसी ऐसी जीवन, हम सामाजिक व्यक्ति तो हमारा उस समय पूरा मन उस माहौल में माहौलमय बन जाता है। तो उस समय हमारी आंखों से क्या बहते हैं? क्या हुआ ये? आपने अपने मन को उस वातावरण के अंदर इतना ढाल दिया कि आपके भीतर कुछ ऐसा सिस्टम शुरू हो गया कि आपकी आंखों की अश्रु ग्रंथियों ने अश्रु धारा बह दी। तो बस ऐसी तो है साधना। आप साधना के अंदर आप डूब जाइए ना। डूबने के बाद इस साधना से जैसे दुधारू गायें हमारे को अमृत देती है दूध के रूप में, तो आप सच मानिए ये साधना भी आपको अमृत रस पान कराएगी जिस दिन आप मन से इस साधना को करोगे। हमने आसन की परिभाषा को बिगाड़ दिया। ग्राउंड पे दर्द का हाथ लगे लेके आते हैं, पेट खराब है तो पेट पे हाथ रख करके आते हैं, वो वहीं तक अपनी साधना को सीमित कर देते हैं। हम साधना का अर्थ नहीं समझते। जो महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की साधना दी, महर्षि पतंजलि को कोई सर्वाइकल स्पेंडोलाइटिस था, उनको कौन सा लंबर स्पेंडोलाइटिस था। जब उन्होंने ये सूत्र लिखे होंगे, उन्होंने कहीं से पढ़ करके नहीं लिखा, उन्होंने अपनी अनुभूतियों को लेखनीबद्ध किया है। उन्होंने बोलिए अपनी अनुभूतियों को लेखनीबद्ध किया है। तो वो तो अध्यात्म के मार्ग पर थे, तो इसका मतलब आसन के पीछे स्थूल शरीर नहीं टिका हुआ है, आसन के पीछे बहुत बड़ा अध्यात्म है। आसन कब सिद्ध होता है ये मैंने आपको समझा दिया। प्रयत्न सैथल्य अनंत समापत्ति भ्याम, इसका मतलब समझा दूंगा आपको, जो पीछे बोला उसी के साथ जोड़ दूंगा। प्रयत्न सैथल्य, प्रयत्न ना करना, कोई परिश्रम ना करना, ना शरीर करे ना मन करे, ना शरीर करे ना अनंत। अनंत किसको कहा? जिसका कोई अंत ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो। कौन है वो? मेरा ईश्वर। समापत्ति, उसमें लग जाना, उससे जुड़ जाना, उसमें ध्यान लगा देना। जिस दिन ये अवस्था हम जीवन में पालेंगे, प्रयत्न सैथल्य अनंत समापत्तिर्भ्याम, उस दिन मेरा आसन सिद्ध हो जाएगा। अभी तक तो मैं सिर्फ स्थिति देखता हूं कि मेरी टांग ऊपर जा रही है कि नहीं, एड़ी उठी हुई है कि नहीं, ये नहीं है। जब तक मेरे अंतरंग बिंदु पर एकाग्रता लाते हुए प्रयत्न स्थैथल्य की अवस्था पा करके मैं मंत्र जाप करते हुए अपने ईश्वर के साथ मेरा ध्यान ना लगे, मेरा मन ना लगे, तब तक मेरा आसन सिद्ध हो रहा है। और जिस दिन मेरा आसन सिद्ध हो जाएगा, जिस दिन मेरा आसन सिद्ध हो जाएगा, मुझे क्या मिलेगा? ततो द्वंदान अभिगाता, अर्थात जीवन के जितने दुख हैं, जितने कष्ट हैं, जितने द्वंद हैं, जिनसे मैं परेशान होता हूं, जीवन के वो सारे दुख मिट जाएंगे। आप तो शारीरिक दुख मिटाने के लिए चले आसन करने के लिए केंद्रों में, हमारे शिक्षक आपको बहका देते हैं और आप उनके बहकावे में आ जाते हो। भाई किसी को कोई थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, हमारे शिक्षक आपको वो जैसे मदारी डुगडुगी बजा करके बच्चों को बहकाता है और बच्चों के साथ माताएं निकल आती हैं बाहर, सब दस दस का नोट दे देती है, मदारी का काम चल गया। आप समझे मेरी बात? ये हम ये ग्राउंड पे डुगडुगी बजाते हैं, लेकिन पहले दिन किसी को कहो किया हो तुम्हें ध्यान करवाएंगे और हो रहा है किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सुनेगा आपकी? वो डुगडुगी इसलिए बजाते हैं कि आप आसन करोगे, देह की तकलीफें तो ठीक होंगी होंगी, वो तो प्रारंभिक और स्थूल और गौण और नगण्य बात है, उसके बारे में क्या चर्चा करें हम। अब यहां ये लाइट जला दी, आपको नहीं लाइट जलने के बाद कमरे में अंधेरा रहेगा? क्या पागलपन है भाई? जहां प्रकाश होता है वहां अंधेरा
हो नहीं सकता, प्रकाश का गुण है ये। तो जहां योग होता है वहां रोग हो नहीं सकता, ये गुण है योग। तो उसके बाद क्या करनी है हमें? अरे जिस आसन के अंदर इतनी ताकत है कि वो मेरी शरीर की पीड़ाओं को मिटा सकता है, जिस आसन में इतनी ताकत है कि वो मेरे श्वासों को, मेरी प्राणिक ऊर्जा को अच्छा बना सकता है, जिस आसन में वो ताकत है जो मेरे मन को शांत कर सकता है। इंसान किस लिए, आप बताओ, जगह जगह आप सत्संग सुनने जाते हो, कथाओं में जाते हो, आप किस लिए जाते हो बताओ? कि आपका मन, इसलिए जाते हो ना। तो ये तो आसन में ढूंढ सकते हो आप, आसन में तो दोहरा फायदा हो गया, पहले क्या शरीर बढ़िया और फिर मन बढ़िया। और अगर ये तीनों दोनों अवस्थाएं पार कर ली, शरीर को भी पार कर लिया प्यारे तूने, मन को भी प्यारे पार कर लिया, और जिस दिन तुम उसकी पूर्ण अवस्था में जाकर के उसका ध्यान लगा लेगा तो तेरे को तेरे इस जीवन के परम लक्ष्य की भी प्राप्ति हो जाएगी। कौन सा दुख है जो तेरा शेष बचेगा? तू हर दुख को पार कर जाएगा और उस परम सुख की, बोलिए, अनुभूति करेगा। ये है आसन की महिमा। एक बार खड़े होंगे, पांच पांच बार सब ताड़ासन करेंगे। अब आसनों से जो पीछे हटेगा ना, तो मन में सोच करके जाना यहां से आज। और कल महिमा किसकी बतलाएंगे जरा बताओ? प्राणायाम की। पांच पांच बार खुद करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे आपको। बस दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लो, बात नहीं करेंगे आपस में। बात करने से आपकी साधना कमजोर पड़ती है। बहुत सुंदर। ऐसा इसलिए करवाया जाता है कि अब आप आधा घंटा बिना हिले डुले बैठेंगे। आज आपको स्थिरता का मतलब बतलाया था, और स्थिरता के अंदर एक बात को समझ लेना, जितने भी ध्यानास्थ आसन हैं, ध्यान की अवस्था में जाने वाले आसन हैं, चाहे वो सुखासन हो, चाहे वो सिद्धासन हो, चाहे वो वीरासन हो, चाहे वो ध्यानासन हो, चाहे वो वज्रासन हो, चाहे वो पद्मासन हो, ये सभी आसन मेरे शरीर में स्थिरता के स्तर को कई गुना बढ़ाने वाले हैं। बैठ जाइए। जिस भी आसन में आप आधा घंटा बिना हिले डुले बैठ सकते हैं, कृपया उस आसन को ले लें। और ऐसे अवसर पर तीन दिन तक जब हम आपको खड़ा करेंगे ताड़ासन के लिए, आपस में जो बात करेगा वो समझ लेना कि उसका पाप लगेगा, क्योंकि बात करने से मन सांसारिक हो जाता है। आप समझना, ये जो चर्चा की उसका प्रभाव कम होने लगता है, आपकी साधना कमजोर पड़ती है, आपको ध्यान में जाने में परेशानी होगी, आपको वो उपलब्धि नहीं होगी। फिर आप कहेंगे कि योग तो झूठा है, जबकि सत्य को झूठ बताना भी तो गलत है। गलती तो मैंने की, अगर मैंने वो चर्चा की तो चर्चा करने के बाद तो मेरी आंखें स्वतः आधी बंद हो जानी चाहिए, जब तक बंद करने का ना कहा जाए, वरना पूरा बंद करके व्यक्ति चिंतन में चला जाता है कि आज मैंने क्या सुना। इससे तो मेरी आंखें खुल गई अंदर की, मेरा तृतीय नेत्र सक्रिय बन गया। ये तो एक वो मार्ग है जो मेरे जीवन को बदल देने वाला है। तो ऐसी अवस्था में बहिर्मुखता को कोई स्थान नहीं है, हमें अंतरंगता की ओर बढ़ना है। आंखें बंद कीजिए, हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में, बाएं हाथ की हथेली पर दाएं हाथ की हथेली रख करके श्रोणि गुहा के नीचे वाले स्थान पर रखें। इनको जलने दो, फिर इनको तक होती है, रिकॉर्डिंग होती है। मन को शांत कर लें, अपने शरीर को देखना शुरू करें। सर्वप्रथम जैसे शव आसन में करते हैं हम, बिल्कुल वैसे शरीर में कोई तकलीफ महसूस नहीं करनी, उसको शिथिल महसूस करें, शांत। एक एक अंग को मन की आंखों से निहारें। अब आप मन को आदेश दे दें कि हे मन, जो घूम रहे हैं वो भी बैठ जाएं, अब बिल्कुल शांत होकर के कार्यकर्ता भी बैठ जाएं, ठीक हो गया लाइट की व्यवस्था,
अपने मन को कहें कि हे मन महाराज, तू भी शांत हो और शांत होकर अंदर बैठ जा, मैं अपने प्रभु से आत्म साक्षात करने जा रहा हूं। सर्वप्रथम अपने नासिका के अग्रभाग पर ध्यान दे करके स्वैच्छिक रूप में चलने वाली इस श्वसन क्रिया का मानसिक अवलोकन करें। श्वास प्रश्वास की क्रिया मेरे जीवन में मेरे ईश्वर के द्वारा दिया गया एक अमूल्य उपहार है। जैसे किसी मित्र के द्वारा दिए गए उपहार को जब मैं देखता हूं या प्रयोग में लाता हूं तो मुझे अपने मित्र की याद आती है। अब मैं अपने ईश्वर के दिए गए उपहार के साथ जुड़ा हूं और जब मैं अपने इस ईश्वर के इस उपहार से जुड़ता हूं तो मुझे अपने ईश्वर की याद आती है। मेरे हर श्वास में मेरे ईश्वर हैं, उसकी कृपा के बिना ना तो ये श्वास भीतर जा सकता ना बाहर आ सकता। यही प्रमाण है कि मेरे ईश्वर हर वक्त मेरे साथ हैं। जब तक श्वास है तब तक ईश्वर मेरे साथ हैं। इस विश्वास के साथ इन श्वासों के दर्शन समर्पण भाव से, श्रद्धा से, निष्ठा से करें। हर श्वास में अपने ईश्वर के दर्शन करें। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, मैं इन श्वासों में अपने ईश्वर को अनुभव कर रहा हूं। श्वास को थोड़ा गहरा और लंबा बनाएं, इसमें अपना प्रयास जोड़ दें। जब मैं श्वास भरूं तो पूरा नीचे से ऊपर तक श्वास को भरा जाए और जब श्वास निकालूं तो ऊपर से नीचे की ओर पूरा श्वास निकाला जाए। पहले श्वास को मूलाधार चक्र तक भरें और निकालें। श्वास को थोड़ा छोटा कर दें। स्वाधिष्ठान चक्र तक श्वास को भरें और निकालें। दो से तीन श्वास लें और छोड़ें। पश्चात श्वास को और छोटा करें। केवल श्वास को नाभि तक भरें और निकालें। मणिपुर चक्र है ये मेरा। दो से तीन श्वास लें और छोड़ें। आपको हर श्वास का भान होना चाहिए कि कहां तक श्वास भरा जा रहा है और कहां तक श्वास निकाला जा रहा है। यह मन की को एकाग्र करने की एक बहुत उच्च कला है, श्रेष्ठ तकनीक है। श्वास को और छोटा करें। हृदय तक श्वास को भरें और निकालें। अनाहत चक्र तक श्वास लें और छोड़ें। धीरे धीरे आप देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि मेरे श्वास छोटे होते जा रहे हैं। अब आप केवल विशुद्धि चक्र तक श्वास को भरें और छोड़ें। श्वास को और छोटा कर लें, बस मात्र केवल आने जाने का आभास रहे लेकिन शारीरिक अनुभूति ना रहे, स्थूल अनुभूति ना रहे, केवल सूक्ष्म रूप में श्वास को आते जाते महसूस करें। हम अपने ईश्वर को पुकारेंगे। जब हम ईश्वर को पुकारते हैं तो हमारे मस्तिष्क में विशेष प्रकार का स्पंदन होता है। हमारे ग्रंथियों से निकलने वाले स्राव, उनकी गुणवत्ता और मात्रा में बहुत परिवर्तन होता है। शारीरिक और मानसिक रोग तो बाहर जाते ही जाते हैं, एक भीतर अपने आनंद की अनुभूति हमें होती है। दो बार ईश्वर को पुकारने की आवाज को, उसकी लंबाई को, उसकी ऊंचाई को, उसके समर्पण को,
उसकी लयबद्धता को आप केवल मन से सुनेंगे, तीसरी बार आप भी उस आवाज के साथ अपना एकाकार करेंगे। मेरे प्रभु को ओम नाम से पुकारा जाएगा, जैसे हम अपने बच्चे को पुकारते हैं वैसे ही हम अपने ईश्वर को भी उसके नाम से जब पुकारेंगे तो ईश्वर अपने भक्त की पुकार को अवश्य सुनेंगे। दो बार ये पुकार होगी जिसमें कोई साधक नहीं बोलेगा, और तीसरी पुकार में आप मेरा साथ देंगे। कुछ साधक आंखें खोल के बैठे रहते हैं, एक दो, वो एक अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता और साधना भी आपकी बिखर जाती है। जब तक अपने भीतर नहीं जाओगे तब तक आपको वो अनुभूति हो नहीं सकती। साधना बाहर नहीं, साधना भीतर की होती है। स्थूल साधना सभी करते हैं, लेकिन जब तक मैं सूक्ष्म या अंतरंग साधना की ओर नहीं बढ़ूंगा तब तक मुझे सच्ची साधना की अनुभूति नहीं हो पाएगी। अतः आप जो कुछ भी अनुभव करें ध्यान में, अपने भीतर अपने अंतःकरण से करें। दो बार सुनेंगे पश्चात आप उसका हिस्सा बनेंगे।
Oh.
मन ही मन अपने प्रभु को ओम नाम से हृदय से पुकारते जाएं। जैसे बच्चा रोते हुए अपनी माँ को पुकारता है, वैसे आप भी सच्चे मन से जब रुधन के साथ ओम नाम से अपने प्रभु को पुकारेंगे तो आपको प्रभु अपनी गोद में उठा लेंगे, अपने से लगा लेंगे, आपको अपने प्रभु की अनुभूति होगी। बड़ा अमूल्य क्षण होगा वो, पुकारिए अपने प्रभु को, तड़पने दीजिए इस दिल को प्रभु के लिए, पूरी अंतरंगता के साथ अपने ईश्वर को पुकारें। पुकारते पुकारते महसूस करें कि मेरे भीतर एक दिव्य प्रकाश फैल रहा है, यह ईश्वरीय प्रकाश है जो मुझे दिव्य सुख देने वाला है। यही दिव्य गंगा है, लगाइए डुबकियां इसमें। यही है वो कल्याण सागर, नहा लीजिए इस सागर में, धो दीजिए मलों को इस दिव्य जल में, कर दीजिए अपने अंतःकरण को पवित्र, हो जाइए भीतर से शुद्ध और निर्मल। जब मैं था तू ना था, तू पायो मैं ना आई, प्रेम गली अति सांकरी, जा में द्वी न समाए। कैसा खेल है मेरे प्रभु, जब मैं था तो तू नहीं था, तू मिला तो मैं खत्म हो गई, ये कैसा प्रेम है तेरा मेरा।
हम दोनों मिलके एक हो गए। मैं कितना पगला था प्रभु, मैं तुझे बाहर ढूंढ रहा था, तू तो मेरे भीतर है, मेरी रोम रोम में है, मेरे हर श्वास में है। मांगिए अपने प्रभु से इस ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध मन से, निर्मल चित से, क्या है आपके पास मांगने को, क्या चाहिए आपको, सांसारिक सुख चाहिए कि आत्मिक सुख चाहिए, चयन करके और मांगिए अपने प्रभु से। प्रभु मुझे सांसारिक सुख नहीं, मुझे आत्मिक सुख चाहिए, प्रभु तेरा सानिध्य चाहिए, मैं धन्य हो गया तुझे पाकर मेरे प्रभु तेरी अनुभूति करके। अपने प्रभु का सच्चे मन से धन्यवाद करें कि प्रभु तेरा लाख लाख शुक्रिया, मेरे पास धन्यवाद करने के लिए शब्द नहीं, बस मेरे भावों को स्वीकार कीजिए और ऐसी ही कृपा मुझ पर बरसाते रहना, मेरा जीवन धन्य कर देना। ओम की ध्वनि करते हुए अपने ईश्वर का धन्यवाद उसमें ढूंढेंगे और साथ ही हम शांति पाठ करेंगे। श्वास भरिए, धीमी आवाज़ में करेंगे हम, ऊंची आवाज़ में नहीं, ये ध्यान रखेंगे। बहुत धीमी आवाज़ में, धीरे धीरे मंच की आवाज़ के साथ। ओ अंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांति राप शांति रो सधया शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ॐ शांति शांति शांति। सभी आराम आराम से एक दूसरे का सहयोग करेंगे, जूते चप्पल अपने पहनेंगे और प्रसाद गेट पे लेके जाएंगे, प्रसाद लेके जाएंगे। कल समय से पूर्व पहुंचेंगे सभी। चलिए, हो गया।